अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। इतिहासकारों के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, किंतु वास्तव में इस घटना से कई बरस पहले 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को विद्रोह के आरोप में बरगद के पेड़ से लटकाकर शहीद कर दिया था। इतिहास में उन्हें भले ही उपयुक्त स्थान न मिला, किंतु झारखंड के आदिवासियों की स्मृतियों में वे अजर अमर हैं। उनकी याद में आदिवासी आज भी गाते हैं, तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों से बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका, तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज, तुम्हारी तिलका आंखों से मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। भारत के औपनिवेशिक युद्धों के इतिहास में पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय संथाल आदिवासी समाज के लड़ाकों को माना जाता है, जिन्होंने झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इनमें सबसे लोकप्रिय थे तिलका मांझी यानी जबरा पहाड़िया, सिंगारसी पहाड़। पाकुड़ के जबरा पहाड़िया का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। उन्होंने 1770 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और उसके खिलाफ लंबी और कभी समर्पण न करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों तथा अंग्रेज शासकों की नींद उड़ाए रखी। 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीबों में बांट दिया। उनके इस तरह के नेक कामों से विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी जुड़ गए। उन्होंने 1778 में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त करा दिया। 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला कर दिया और एक ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर से निशाना बनाकर मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में आ गई। अंग्रेजों ने अपनी चिरपरिचित फूट डालो और राज करो की नीति का उपयोग करते हुए तिलका समुदाय के कुछ लोगों को फोड़ दिया। इन्हीं में से एक गद्दार ने तिलका के ठिकानों की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। अंग्रेजों ने जंगल में रुके तिलका की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें कई लड़ाके मारे गए और जबरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीनों घसीटे जाने के बाद भी पहाड़िया जीवित थे। खून में डूबी उनकी देह उस समय भी गुस्सैल थी और उनकी लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने जब भागलपुर के चौराहा पर स्थित विशाल बरगद के पेड़ पर उन्हें सरेआम लटकाकर जान ले ली। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उनके बाद हजारों लड़ाकों ने जबरा का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए गीत गाया, हांसी हांसी चढ़वो फांसी। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और तिलका यानी गुस्सैल तथा मांझी यानी समुदाय प्रमुख कहा। बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका के जीवन और विद्रोह पर बंगला भाषा में उपन्यास शाल गिरर डाके की रचना की है। उनके नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम से शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ,
यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।